मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि बरकत पार्क में रास्ता को लेकर जो है काफ़ी हंगामा हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक बिल्डर द्वारा जो है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक बिल्डर ने उनका रास्ता बंद कर दिया है और कई साल हो गए हैं रास्ता बंद किए, लेकिन ये लोग रास्ते की मांग कर रहे हैं वहाँ पर। और आज जो है ये सभी लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किए, और इनका विरोध प्रदर्शन जो है वहाँ करने के बाद फिर जो शिवसेना के शिंदे गुट के एक नेता हैं अनवर कच्छी, उनके पास सभी लोग ये शिकायत लेकर पहुँचे थे। दरअसल इन लोगों की मांग है कि मनपा ने एक बार जो है वो रास्ते को खाली करा कर दिया था। बरकत पार्क का पूरा मामला है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बनाकर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है बिल्डर ने वहाँ पर फिर जो है घेराबंदी कर दी। बिल्डर का कहना है कि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो इसमें से जाने का रास्ता नहीं दे सकता है, लेकिन उसके पहले भी जो है मनपा ने उस रास्ते को जो है बनाकर दिया था वहाँ से जाने के लिए। अब बिल्डर द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करने की वजह से आने जाने वाले लोगों को जो है रास्ता बंद हो गया है। वहाँ पर कोई अगर बीमार पड़ता है ऐसा तो काफ़ी घूम के पीछे के रास्ते से आना पड़ता है, और इस तरह तमाम शिकायतों को लेकर जो है अनवर कच्छी के पास पहुंचे थे। हालांकि अनवर कच्छी ने भी एक बार उस रास्ते को खुलवा कर दिया था, लेकिन दोबारा रास्ता बंद कर दिया गया। अब फिर ये मामला एक बार सामने आया है, और कल भी बताया जा रहा है कि कुछ बहस हुई थी बिल्डर और महिलाओं के बीच में, और आज अनवर कच्छी और तमाम महिलाएँ जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन जा रही हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ महिलाएँ जो है कह रही हैं, हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हीना खान। क्या पूरा मामला है रास्ते को लेकर, इस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहाँ का रास्ता है और कौन से एरिया ये का है? रशीद कंपाउंड का, रशीद कंपाउंड का बरकत पार्क के इस तरफ का है। तो कल हम लोग ने बुलाए थे, मतलब कुछ मीडिया भी आई थी और रेहान भाई भी आए थे, तो उन्होंने क्या बोले, मत करो TMC में जाके, पहले आप लेटर दे दो। तो हम लोग ने उनको क्या बोले कि जब TMC में जाना ही है तो हम तोड़ देते हैं, हम इतने दिन से बोल रहे कोई सुनवाई नहीं, दुनिया भर का कचरा भी जमा हो रहा, कितने बीमार भी हो रहे हैं वहाँ पर, तो हमने बोले हम तोड़ देते। तो बिल्डर आके वहाँ खड़ा हो गया, वो तो चले गए निकल के, हमको बोले तोड़ो, बोले जो होएगा अगर पुलिस लेके जाती है तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, ऐसा बोल के चले गए। तो उन्होंने क्या बोले कि ठीक है तुम तोड़ देना। हम जब तोड़ने के लिए गए, हमने हाथ नहीं लगाया उसके चीज़ को, तो बोलता तोड़ दो तोड़ दो, बोले मेरा काम इजी हो जाएगा। एकदम इतनी बदतमीजी से बात किया उसने, कहाँ पैदा हुए थे, किधर पैदा हुए थे, मैंने बोला था तुमको यहाँ घर लेने के लिए, काय को लिए, मैं जब से पैदा हुआ जब से बाउंड्री लगी लिए देखे थे नहीं क्या तुम लोगों ने। इतनी बदतमीजी से एक लेडीज़ के, हमारी जो दीदी है उनके क्या करा, उन्होंने आंग पे ऐसा हाथ डाल के उनको खींचा भी, उनका बुरखा भी फटा, उनका बुरखा भी फटा ये चक्कर में। और अपनी वीडियो उसने, हम बोल रहे थे ना तो वो वीडियो बनाया उसने, पर अपनी वीडियो नहीं बनाया इनकी, इनका दुपट्टा भी खींचा जोर से और पुलिस को बुला रहा हमारे लिए। मैंने बोली ना ये रास्ता खोलने के लिए, तो बोले नहीं खोलता, बोले नहीं खोलूंगा, बोले तो मेरे को सब पकड़ा, नकाब भी मेरा फाड़ दिया उसने, ऐसा धक्का दिया बुरे के, ये देखो नकाब भी फटा है बेचारे, नकाब भी फाड़ा, ऐसा धक्का दिया। मैंने तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, बोले हमारे घर में है, जो होएगा देख लेंगे, बोले हमें लिए रास्ता खोलने का बात करें ना, तो बोले जो मेरा काम आसान होएगा, बोले बिल्डर ने। अच्छा तो ये पुराना रास्ता था वहाँ से आने के, हाँ ये कई सालों से रास्ता खुला था, मगर इन लोग ने बिल्डिंग बनाने के लिए रास्ता बंद कर दिए, तो हम लोग को काफी परेशानी हो रही है, बच्चों को स्कूल, दवा खाना, मौत, मैयत, हर चीज की तकलीफ हो रही, मगर वो मानने को ही तैयार नहीं है। बोलता है क्या प्रूफ है आपके पास में, लाइए। अब हम लोग उसके पास में कहाँ से प्रूफ लाने जमा करेंगे, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोग को, पानी नहीं आता तो बोरिंग भी वहीं पे है, हम लोग को पानी था तो कितने साल पहले, उसके बहुत साल पे धक्का साल दिए थे ना, धक्का दो साल, बहुत साल पुराना रास्ता है वो, मगर बंद कर दिया है उसने जब से बिल्डिंग, दो तीन साल हो गए, तीसरा साल चालू है, तो हम लोग को पानी की तकलीफ है, हम लोग को दवा खाना, बच्चों को स्कूल, हर चीज की तकलीफ है। उसका नाम तो इतना हम लोग को पता नहीं है, इतना नाम नहीं, नाम नहीं पता। आप लोग यहाँ पर अनवर कच्छी से मिलने के लिए, जी हाँ, दोनों ने क्या कहा है आपको? अभी उन लोग ने हमारा सपोर्ट करेंगे, बोले सपोर्ट में, वो हमारे सपोर्ट में है, वो हमारी फुल मदद करेंगे, ना हमसे बदतमीजी से बात करे कुछ नहीं, और कोई हमारी कोई भी हमारी नहीं सुन रहा, पहले टाइम नहीं लड़ रहे, और टाइम लड़ चुके, और टाइम ये मिला के दो बार हो गया है, काफी काफी ज्यादा परेशान हम लोग, मगर कुछ बात सुनने में तैयार नहीं, चले जाते हम लोग को, हमारी पैसा लेके जाते हैं, क्या करते हैं उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बस बोलते हैं तुम लोग क्यों लिए रूम, यहाँ से खाली कर दो, डायरेक्ट वही बोलता है कि रूम खाली कर दो, अरे हम लोग कैसे खाली करेंगे, गरीब है हम लोग, कहाँ जाएंगे आगे, भाड़े को कोई चीज नहीं समझ रहा, हम लोग को बस 20 साल हो गया,
अच्छा, ये बरकत पार्क से जो बाईपास पे आके रास्ता टच होता था वही रास्ता ब्रिज के नीचे अच्छा, वो रास्ते को शायद आपने एक बार खुलवाया भी था। मैंने खुलवाया था, मेरे ख्याल से करीब करीब 5-6 साल हो गए और कचरा भी उठवाया था वहाँ पे और कोई राजनीति नहीं की थी मैंने। मगर अभी फिर वापस इन लोग आए, 2 दिन से मेरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कल किसी लेडीज के ऊपर उस बिल्डर ने हाथ भी डाला है। वो आप हाँ तो मतलब इतना इन लोग बिल्डर लोग की दादागिरी हो गई है कि इन लोग लेडीज के ऊपर हाथ भी डाल रहे हैं। और दूसरी बात, इन लोग को बोलते तुम घर बेच के चले जाओ तो इनके क्या बाप का राज चालू है क्या? जो लोग रह रहे ले उनके घर, मतलब तुमको खाली बिल्डिंग बनाने का है। पब्लिक मरे या कुछ भी करे, अभी एक कोई लेडीज या कोई तो मलेरिया से मर गई वहाँ पे। अभी ये खाला यहाँ बैठी है, उनको भी शिकायत है दमे की क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उसके लिए भी आए ले इधर। तो ये सब तो अंधा कानून चालू है ना यहाँ पे, एम्बुलेंस की छोड़ दो तुम, आदमी को आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया, पब्लिक का आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। तो मैं युवा प्रभाग समिति को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सोए ले, और कल आदमी के ऊपर झूठा FIR करने के लिए वो बिल्डर चला गया था, पुलिस स्टेशन से फोन आया था। तो अभी मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ और इन लोग सबको अगर करना है तो सबको अरेस्ट करो या तो बिल्डर को अरेस्ट करो, कर दो पूरी पब्लिक। अगर ये गलत है तो इन लोग को सबको अरेस्ट करो, मेरे को भी करो। उसकी जगह तो नहीं मांग रहे क्या? उसकी बिल्डिंग में फ्लैट तो नहीं मांग रहे ना? सीधे बोल रहे हमको जाने के लिए रास्ता चाहिए। मेरे घर में पेशेंट है पैरालाइज के, उनको हॉस्पिटल लेके जाना आना एकदम प्रॉब्लम है, इतना भी प्रॉब्लम है, इंसान कैसा जाएगा? वो चल के देख सकते। प्लस तो वो बिल्डर बोलता है, प्लस तो ये बात है, वो बिल्डर बोलता है कि तुम लोग तोड़ो, हम लोग को आसान काम है। क्या आसान काम है? एक तो रास्ता बंद कर दिया, ऊपर से बिल्डिंग तो खड़ी तो करा नहीं है, रास्ता बंद हो गया। हम बात कर रहे तो हमारी वीडियो बना रहे, हमारी वीडियो बना रहे था तो वीडियो बंद थी। तो सिर्फ पुलिस को बुला के हमारी वीडियो दिखाई, अपनी नहीं कि मैंने किस तरह औरतों से बात किया और उनके साथ क्या किया, क्या किया ये कुछ भी नहीं। पुलिस आई थी, पता नहीं पुलिस आई थी, हम लोग नहीं गए थे वहाँ पर, पुलिस आई थी। असल बात में इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 35 साल का रास्ता है वो, और वहाँ पर 12 फुट के रोड ऑलरेडी तैयार है और जिसपे बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। वो अभी जुमा जुमा आठ दिन से आया हुआ रास्ता बंद कर रहा है, सबको चैलेंज कर रहा है हाँ कि हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, हमारी निजी प्रॉपर्टी है। कौन ऐसा मुमरा में बिल्डर है जो कि रास्ता नहीं दिया है? जो चाली बनाए लोगों ने, बिल्डर ने रास्ता नहीं दिया है हाँ? कल हमारे ऊपर चौकी में FIR करने के लिए गया हुआ था, वहाँ से मेरे को फोन आया, लेकिन कैसा वो डब्बा फोन था, किसी का मोबाइल नहीं था ऑफिसर को, उसमें आवाज़ भी बराबर नहीं आ रही थी और वहाँ आवाज़ नहीं आने की वजह से बात भी नहीं हो पाई। हाँ अनवर भाई, जैसा कि ये बता रहे हैं, बिल्डर का कहना है कि ये उनकी जो है प्राइवेट जगह है तो इसलिए वो रास्ता नहीं दे रहे। नहीं नहीं देखो, अभी जैसे कि हर किसी के 7-12 की जगह होती है, अगर पीछे किसी के जगह के जैसे रोड टच जगह है पीछे है तो महानगर पालिका का काम है वो रास्ता बना के देना। अगर पीछे चाली है तो ऐसा तो नहीं कि पब्लिक रोड से नहीं आएंगी, उसको रोड के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर उसकी साइड बन रही है, अगर बिल्डिंग बन रही तो अलग बात है, वो पिछले 8 सालों से कंपाउंड मार के रख दिए, अगर पब्लिक आएंगी जाएंगी तो क्या तकलीफ है उसको? अच्छा तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में जाएंगे महानगर पालिका का और पूरा उसका रास्ता तोड़वाएंगे हम लोग। अगर कोई नहीं साथ देगा तो हम लोग खुद तोड़ेंगे, मेरे पे जो FIR होगा वो चलेगा मेरे को। इस्लामुद्दीन भाई, जब उस पर कार्रवाई हुई थी TMC की, संजू जायसवाल गोसावी साहब जब तोड़े थे तब तो भी वो निजी प्रॉपर्टी थी ना आ? वहाँ पर जाके आप मुआयना कर दीजिए, 12 फुट का रोड ऑलरेडी है और वहाँ पर बिजली के पोल भी लगे हुए हैं। वो कह नहीं सकता कि रास्ता नहीं है, वो तो वहाँ आया हुआ है, यहाँ से 35 साल से देखा हूँ, जब से बरकत बना हुआ 35-40 साल हो गया तब से वो रास्ता ऑलरेडी है, TMC के रिकॉर्ड में है वो। वही पैदा हुए सब पूरा रास्ता, मगर बोलता है रास्ता हम लोग पे दीवारें खड़ी थी बोलता, और कोई हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग का। हमने कंप्लेन भी दिया है हमारे पूरे, ये देख लीजिए पुराना है हाँ, हमने इस पे कंप्लेन भी किया था, कार्रवाई भी हुई है सलीम भाई को, लेकिन दोबारा बंद हो गया। एक नाथ शिंदे साहब को दिए हैं, उसके बाद में TMC के कमिश्नर को दिए हैं, मोमरा के प्रभात समिति को दिए हैं, लेकिन अभी ये तो कुछ हुई नहीं है, ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया पड़ा है। ये कार्रवाई हुई थी सब, ये सब इसकी वीडियो भी है हाँ, न्यूज भी चल रही है, 2-3 न्यूज भी चल रहा है। मोबाइल नंबर के साथ वो कचरा मेन उठाते नहीं है, वो वहाँ पर अंगार लगाना पड़ता है, बाटला उड़ा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी का